हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज इस वीडियो में बात करेंगे CTI यानी कि CITS प्रवेश परीक्षा, वो भी इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस के बारे में, जो इंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल सिलेबस और नॉन टेक्निकल सिलेबस में क्या क्या पूछे जाते हैं इसके बारे में, फिर इंट्रेंस कैसे पास करेंगे इसके बारे में भी डिस्कस होगा। तो उससे पहले कुछ बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट को शेयर करिए। देखिए जो CTI यानी कि CITS का एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो है AICET यानी कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट द्वारा होता है, और CBT के माध्यम से होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें, जिसमें 75% ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ ITI लेवल रिलेटेड टू द ट्रेड अप्लाइड फॉर द एडमिशन। जिस भी एडमिशन में आप लेना चाहते हैं उसका 75% टेक्निकल क्वेश्चन होता है, यानी कि मैं बात करूँ अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से आपके 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन बनते हैं, 100 में से जो होगा आपका 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से होगा, बाकी के 25 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, यानी कि उसमें मैथ और रीजनिंग होंगे ना, मैथ और रीजनिंग। तो मैं इन दोनों वीडियो में बात करूँगा कि आपको इलेक्ट्रीशियन के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के सब्जेक्ट से आप पढ़ सकते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं जो ITI लेवल का हो, ठीक है। ITI लेवल याद रखना है। अब 25% कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप में है, मैथमेटिक और रीजनिंग के। तो आइए मैं पहले नॉन टेक्निकल की बात करें, फिर हम इलेक्ट्रिशियन के टॉपिक वाइज पे बात करेंगे। तो नॉन टेक्निकल में सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप एवरेज पढ़िए, एवरेज को तैयार करिए, औसत को, बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा को तैयार करिए, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में तैयार करना है, LCM, SCF, LOSS और मिक्सर एलिगेशन यानी कि मिश्रण, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रतिशत, पाइप सिस्टम, प्रॉब्लम मैनेज यानी आयु संबंधित प्रश्न को, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड टाइम वर्क एंड टाइम वर्क के बारे में मैथमेटिक्स में तैयार करने हैं। और मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी आपका लेवल बहुत ही कम रहता है, बस आप अगर इसको अच्छे से थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आपका एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का पोर्शन पूरा कर पाएंगे। तो सबको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आती हैं। तो रीजनिंग में देखिए एनोलॉजी, बोथ वर्ड एंड बेस, वर्ड बेस एंड न्यूमेरिकल बेस आता है, ऑड पेयर आता है जैसे बोथ वर्ड बेस एंड न्यूमेरिक दोनों होता है, कोडिंग डी कोडिंग होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर और सर्कुलर दोनों टाइप का होता है, फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, रैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शन यानी कि दिशा जो होता है, फिर न्याय निगमन से, सिलोगिज्म से क्वेश्चन बनते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनता है, क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं। तो जरूरी नहीं कि किसी हर एक चैप्टर से एक ही एक क्वेश्चन आए, किसी भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉन वर्बल की बात करें तो क्यूब और डाइस से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, सिक्वेंस ऑफ फिगर से बन जाते हैं, मैट्रिक्स से भी बनते हैं, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पंचिंग से भी बनता है, और मिरर वाटर रिफ्लेक्शन से बनता है, कन्फिग्रेशन फिटिंग पीस और पीसेस से भी हमारा क्वेश्चन रीजनिंग को देखने में मिलता है। तो ये सारी सिलेबस मैं अपने एक्सपीरियंस से तैयार किया हूँ, क्योंकि CTI का पर्सनली इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस के लिए कोई वो नहीं है वेबसाइट पे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने अब इलेक्ट्रिशियन के जो टॉपिक है वो तैयार करने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, इम्पोर्टेंट है, कन्फर्म आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा, बस इन टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सिलेबस में आपको जो तैयारी करना है, आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की कोई भी बुक होगी तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। जो चैप्टर है वेरियस सेफ्टी मेजरमेंट इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेड के जो आइडेंटिफिकेशन उसके बारे में तैयार कर लीजिए, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर लीजिए, सोल्डर फ्लक्स एंड सोल्डिंग टेक्निक के बारे में तैयारी कर लीजिए, ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ के बारे में तैयारी कर लीजिए, कंसेप्ट ऑफ सर्किट, टाइप्स ऑफ सर्किट्स ये तैयार कर लीजिए, सातवां केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पे केमिकल का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में, रिचार्जेबल ड्राई सेल के बारे में पढ़ लीजिए, लीड एसिड सेल के बारे में पढ़ लीजिए, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ लीजिए, रेजिस्टेंस,
वर्किंग प्रिंसिपल एंड सर्किट कॉमन डोमेस्टिक इक्विपमेंट एंड अप्लायंस के बारे में पढ़ लीजिए, यानी कि जो घरों में हम सर्किट यूज कर रहे हैं और जो भी यंत्र यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी ले लेना है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की बुक से। फिर आपको डीसी मशीन के बारे में पढ़ाई कर लेना है, आर्मेचर के बारे में पढ़ लीजिए, डीसी मोटर्स के बारे में पढ़ लीजिए, इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पढ़ लीजिए, एलिमेंट्री फर्स्ट एड के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये जो सारे हैं आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सिलेबस से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके 75% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन। एक खास बात और है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसलिए आप 100 में 100 क्वेश्चन करके आएँ। चाहे मैथ आपको नहीं आ रहा है तो मैथ का भी सारा क्वेश्चन करिए, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन ना छोड़िए, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं बता दूं फिर से, मैथ में कितना क्वेश्चन बनता है मैं बताया, मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन याद रखिएगा, रीजनिंग में 12 से 13 क्वेश्चन, और करंट का बस 2 क्वेश्चन बनता है, टोटल 25 हो जाएगा इनको मिला के। और जो 25 क्वेश्चन के अलावा 75 क्वेश्चन जो होते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सिलेबस से होते हैं, जो कि स्क्रीन पे हमने सिलेबस शो कर दिया है। बस आपको इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे जुड़े क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्व कर लीजिए, बस उससे अधिक आपका एग्जाम में कुछ नहीं आता है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को इलेक्ट्रिशियन छात्रों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए कि उनका भी बेनिफिट हो जाए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पे नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अधिक से अधिक जितना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।